हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों को कैसे पता है कि आज सर्दियां आ गई हैं, तो बाइट सब्जी वाला है तो अम्मी ले रही है मूलियां। हम लोग बनाएंगे मूलियों वाले परांठे, मैं आपको दिखाती हूँ। अम्मी तो अम्मी ले आई है मूलियां, कितनी फ्रेश लग रही हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि मूलियों वाले परांठे कैसे बनाते हैं, आप लोग ज़रूर हमारी वीडियो देखना। तो जो अम्मी ने मूलियाँ ली थी, अब हम लोग उनको तैयार करेंगे परांठों के लिए, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये मूली का, और ये तो फ्रेंड्स हम लोगों ने मूलियों को ऐसे कर लिया, ब्रश कर लिया, आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने मूलियों का क्रश कर लिया है, और जहाँ सॉफ्ट सॉफ्ट उसके पत्ते भी थे वो भी हम लोगों ने काट लिए हैं। अब इसके अंदर हम लोग मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में हम लोग पहले ही नमक डालेंगे, हल्दी, तो अब हम लोग मिर्च ऐड करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग एक चम्मच घी का ऐड करेंगे बस। तो जैसे कि आपको पता है मूलियों में पानी होता है, तो हम लोग ये पानी खुश करेंगे इसका, इसमें पानी नहीं हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मैं आपको परांठे बनाने सिखाऊंगी और मूलियों वाले, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोगों ने वो सब्जी तैयार कर ली है, ये मूलियों का पानी हम लोगों ने खुश कर लिया और आटों के पेड़े करके रख लिए आटे के। एक रोटी जो बनाते हैं ना, उसमें से हाफ हम लोग पेड़े करेंगे छोटे छोटे, फिर एक रोटी मर बनेगी, उसके लिए हमें घी चाहिए। चले करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हम लोगों ने ऐसे पेड़े लिए और उनको प्रेस किया ऊपर से, और ऊपर लगाएंगे घी। घी लगा के ऊपर लगाएंगे सब्जी हम लोग डालेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने ऐसे सब्जी फिल कर लिया परांठों में, ठीक है। ऊपर से ये बंद कर देंगे हम लोग। तो अब हम बनाएंगे और ऊपर लगाएंगे घी। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, एक साइड से हमारी रोटी बन गई है, तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे परांठे हैं, रेडी हो गया, हम लोग उतार लेंगे। अंदर से भी आप लोग देख सकते हैं, गर्म गर्म परांठे मजे वाले बन गए हैं। तो आप लोग भी ट्राई करना, और हमारी वीडियो तो ये देख सकते हैं आप, गर्म काफी ज्यादा है तो इस वजह से, तो हमारी वीडियो जरूर देखना। आपको ये परांठे पसंद आया तो मजा आ रहा है, आपका दिल कर रहा है खाने, तो प्लीज जरूर वीडियो देखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।